महिला T20 एशिया ट्रॉफी में दोस्तों अगर आप ये सेमीफाइनल मुकाबला नहीं खेल रहे हैं, इसमें दोस्तों अगर आप लोग 1 करोड़ रुपए इंडिया वुमेन्स वर्सेस बांग्लादेश वुमेन्स का मुकाबला दोपहर 2 बजे होने वाला है और इसे 15 करोड़ मेगा ग्रांड लीग रह गए फर्स्ट रैंक वालों को 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है। तो आप लोग भी दोस्तों यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं बांग्लादेश वर्सेज इंडिया वुमेन्स दोस्तों महिला एशिया T20 ट्रॉफी में दोस्तों आप लोग भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। कैसे कमाना है वो आपको बताएंगे यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में ज्योतिष बिंदा द्वारा बता दूंगा कौन सा खिलाड़ी आज चलने वाला है, किस खिलाड़ी को टीम में लेकर चलना है, किसको ड्रॉप करना है और वही विकेट कीपर सेक्शन में आपने देखा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बल्लेबाज सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी चलेगा, किसको जगह मिलेगी, कौन कप्तान बनेगा, कौन उप कप्तान बनेगा, किसको टीम में लेकर चलना है, क्या स्मृति मंधाना आज के मैच में अच्छी पारी खेलेंगे, हरमनप्रीत कौर टीम में आएंगी या नहीं आएंगी, सिफारी वर्मा क्या दोबारा से कप्तान बनाना चाहिए, जेमिया रांडिस दोस्तों चलेंगी या नहीं चलेंगी। ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे ज्यादा दीप्ति शर्मा देख सकते हैं, ये ड्रीम टीम में दोस्तों बहुत तगड़ा प्रदर्शन कर रही हैं। आर मोनी हो गए, उसके सामने यहाँ पे गेंदबाज में रुबैया खान हो गए, रेणुका सिंह हो गए, एन अख्तियार हो गए, राधा यादव हो गए, किन गेंदबाज को लेकर चलना है, किन को ड्रॉप करना है। तो अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं ड्रीम इलेवन में और दोस्तों यहाँ पे ज्योतिष विद्या के द्वारा आज बताया जाएगा कौन सा खिलाड़ी गेम चेंजर है, किन को टीम में लेकर चलना है, किन को ड्रॉप करना है, विकेट कीपर सेक्शन से कितने लेकर चलना है, बल्लेबाज सेक्शन से किसको लेकर चलना है, ऑलराउंडर सेक्शन से किसको लेकर चलना है, गेंदबाज सेक्शन से किसको लेकर चलना है, ये सभी चीजें आपको जानकारी मिलने वाली है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आप लोग भी टीम पाना चाहते हो तो आप लोग लाखों रुपए कमाना चाहते हो दोस्तों तो यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में जाना है, लिखना है जय बागेश्वर धाम की, जय दादाजी गुरु महाराज की, जय सन्यासी बाबा की, जय बालाजी सरकार की और बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आप लोग लाखों रुपए यहाँ पे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट बात कर लेते हैं आखिरकार आज के मुकाबले की अगर बात की जाए, आज का मुकाबला दोस्तों यहाँ पे अगर आपको बता दें यहाँ पे जबरदस्त ये मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला बांग्लादेश वुमेन्स वर्सेज इंडिया वुमेन्स के बीच में। चलिए पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि फटाफट यहाँ पे प्लेइंग इलेवन में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, किन किन को लेकर चलना है, किन किन को ड्रॉप करना है प्लेइंग इलेवन में। तो पहले नंबर पर दोस्तों आती आपकी शेफाली वर्मा देख सकती हैं, अभी तक 243 पॉइंट दे चुकी हैं। उसके बाद हरमनप्रीत कौर यहाँ पे दोस्तों नहीं खेली थी उसकी वजह से यहाँ पे दूसरे नंबर पर दयालन हिमलता को उतारा गया था। तीसरे नंबर पर ऑलराउंडर दोस्तों संजीव संजना खेली थी क्योंकि यहाँ पे दोस्तों स्मृति मंधाना अपने आप को बहुत नीचे लेकर गई थी क्योंकि यहाँ पे टीम जीत रही थी तो ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी इस वजह से। बट ऐसा यहाँ पे प्लेइंग इलेवन नहीं मतलब यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर नहीं है, वो दूसरा बैटिंग ऑर्डर अभी आपको बताएंगे। चौथे नंबर पर जेमिया रांडिस खेली थी, रिचा घोष यहाँ पे वाइस कैप्टन दोस्तों पांचवें नंबर वो विकेट कीपर, पांचवें नंबर पर स्मृति मंधाना, छठे नंबर पर दीप्ति शर्मा, सातवें नंबर पर राधा यादव, आठवें नंबर पर तनुजा कनवार, नौवें नंबर पर खेलती हैं, दसवें नंबर पर रेणुका सिंह, ग्यारहवें नंबर रेड्डी खेलती हैं, उसके बाद अद्वंती रेड्डी। वही दोस्तों बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन की बात की जाए तो देख सकते हैं डी अख्तर जो कि विकेट कीपर है ये पहले नंबर पर खेलती हैं, उसके बाद एम खट्टून यहाँ पे दूसरे नंबर पर खेलती हैं, निगार सुल्तान तीसरे नंबर पर खेलती हैं, चौथे नंबर पर एम अहमद खेलती हैं, छठे नंबर पर आई तन वो पांचवें नंबर आई तंजीम जो कि बिल्कुल बुरी तरह फ्लॉप है, छठे नंबर पर रिटी मोनी खेलती हैं, सातवें नंबर पर रबैया खान जो कि गेंदबाज है बहुत जबरदस्त एस अख्तर यहाँ पर देख सकते हैं, आठवें नंबर पर नवे नंबर पर जे आलम खेलते हैं, नवे नंबर पर जे आलम, दसवें नंबर पर एन अख्तियार, ग्यारहवें नंबर एन नाहर जैस्मीन खेलती हैं। तो ये आपने इंडिया वर्सेज बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन आपने देख लिया है। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे किन किन खिलाड़ियों को दोस्तों टीम में लेना है। अगर मैच आंकड़ों की बात की जाए देख सकते हैं इंडिया पिछले 5 मुकाबले खेली, कितने मुकाबले खेली है, 5 मुकाबले में 4 मुकाबले जीती हुई है और यहाँ पे 1 मुकाबला ड्रा हो गया। वही बांग्लादेश 2 मुकाबले जीत के आ रही है और 3 मुकाबले हार के आ रही है। तो ये बांग्लादेश का, और दोस्तों अगर इस मुकाबले की बात की जाए ये मुकाबला होने वाला रैन गिरी दामला इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि जहाँ पे श्रीलंका पड़ता है, बैटिंग पिछले स्पिनर को मदद मिलेगी, 150+ आप लोग स्कोर मान सकते हैं। यहाँ पे 43 विकेट हैं जिसमें पेसर्स को 13 मिले, स्पिनर्स को 30 विकेट मिले हुए। हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो 11 मुकाबले खेले गए हैं, इंडिया ने 10 जीते हैं, बांग्लादेश ने 1 मुकाबला जीता है। तो आप लोग दोस्तों चलिए टीम बनाने से पहले एक बार फिर से कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा जय सन्यासी बाबा की, जय दादाजी गुरु महाराज की, जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी सरकार की, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए दोस्तों आपको टीम बनाते हैं और टीम बना करके जबरदस्त यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से ड्रीम इलेवन आप लोग बहुत ही जबरदस्त टीम यहाँ पे दोस्तों बनेगी और आपको मिलेगी भी। तो चलिए फटाफट दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन में आपको दिखाते हैं 80% सिलेक्शन रेट है। निगार सुल्तान तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करती हैं, मलेशिया के सामने 87 पॉइंट दिए हैं, श्रीलंका के सामने 62 पॉइंट दिए हैं, कितने पॉइंट 62 पॉइंट, और यहाँ पे थाईलैंड के सामने ड्रीम टीम से बाहर हुई, पिछले 3 मुकाबले खेली हैं निगार सुल्तान ने,
तीन मुकाबलों में दो मुकाबलों में ड्रीम टीम में जगह बनाई है, तो आज के मैच में इनको लेकर चलना है या नहीं लेकर चलना अभी आपको बताएंगे। अगर दोस्तों इनके रनों की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने ये यहाँ पे मलेशिया सामने 62 रन की पारी खेली है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से यहाँ पे निगार सुल्तान का बहुत ही अच्छा योगदान है ड्रीम टीम में, आप लोग हल्के मत लेना। उसके बाद ऋचा घोष की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं ऋचा घोष तुला राज की जातक है। किस राज की जातक है? तुला राज की जातक का पिछले तीन मुकाबलों में दो मुकाबलों में ड्रॉप हुई है ड्रीम टीम से, दो मुकाबलों में ड्रीम टीम में जगह नहीं बना पाई है और यूए के सामने 114 पॉइंट दिए हैं और यूए के सामने यहाँ पे 64 रन की पारी खेली थी ऋचा घोष ने। तो ऋचा घोष का आपने पिछले तीन मुकाबलों का प्रदर्शन देख लिया है, ये देख सकते हैं इनकी दोस्तों बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे इनकी बैटिंग नहीं आ पाई है। इस वजह से नहीं तो ये भी दोस्तों एक अच्छी बल्लेबाज है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। उसके बाद ओपनर बल्लेबाज है दिलारा अख्तर, आपको टीम में जरूर लेकर चलना है। देख सकते हैं मलेशिया के सामने 71 पॉइंट, थाईलैंड के सामने 28 पॉइंट। तो दोस्तों दिलारा अख्तर दोस्तों आपके लिए गेम चेंजर खिलाड़ी हो सकती है, दिलारा अख्तर को भी आप लोग टीम में लेकर के जा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख सकते हैं पिछले तीन मुकाबलों में दो मुकाबलों में ड्रीम टीम में जगह बनाई है जिसमें 71 और 28 पॉइंट ड्रीम टीम में दी है, बट यहां पे श्रीलंका के सामने ड्रीम टीम में जगह नहीं बना पाई थी दिलारा अख्तर। तो दिलारा अख्तर आपके लिए गेम चेंजर खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी को भी आप लोग टीम में लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गेंदबाज बल्लेबाज सेक्शन से बात करते हैं। बल्लेबाज सेक्शन में बात करें तो हरमनप्रीत कौर दोस्तों यहाँ पे प्लेइंग 11 पिछले मैच में नहीं खेली थी, इस मैच में खेलेंगी तो दोस्तों आपको टीम में लेकर जाना नहीं तो ड्रॉप करना है। वही स्मृति मंधाना के ऊपर रिस्क ले सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं पाकिस्तान के सामने 64 पॉइंट बनाई थी यहाँ पे दोस्तों 32 रन बना करके, बट दोस्तों उसके बाद से अभी तक दोस्तों यहाँ पे स्मृति मंधाना ड्रीम टीम में कोई बड़ा योगदान नहीं दिया, आप लोग देख पा रहे हैं। स्मृति मंधाना आज जरूर बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से कम बैक करेंगी और ड्रीम टीम में आपको एक अच्छी पारी खेल दिखाई दे सकती हैं। स्मृति मंधाना दोस्तों गेम चेंजर खिलाड़ी हैं। वही दोस्तों बात कर लेते हैं मुर्शिदा खट्टून, ये भी दोस्तों ओपन बल्लेबाज है बांग्लादेश की, आप दोस्तों यहां पे देख सकते हैं मलेशिया के सामने यहां पे 80 रन की पारी खेली है और 106 पॉइंट ड्रीम टीम में दी है। वही थाईलैंड के सामने 50 रन की पारी खेली और 70 पॉइंट दिए हैं। तो मुर्शिदा खट्टून भी दोस्तों आपके लिए गेम चेंजर खिलाड़ी है, सिंगराज की जातक है। बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से दोस्तों बांग्लादेश के दोनों ओपनर में एक ओपनर तो फ्लॉप होगा, चाहे मुर्शिदा खट्टून फ्लॉप हो या फिर दोस्तों ए अख्तर यहाँ पे आपके सामने जो कि विकेट कीपर में टॉप ऑर्डर के दोनों गेंदबाज दोनों बल्लेबाज एक बल्लेबाज जल्दी आउट होगा क्योंकि यहाँ पे विकेट गिर सकता है। वहीं दोस्तों कुंभराज के जातक शेफाली वर्मा की बात करते हैं, यो भी ओपन करती देख सकते हैं नेपाल के सामने वाइस कट्टा मनी थी 119 पॉइंट दी है और ड्रीम टीम में जबरदस्त पारी भी खेली है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं, देख सकते हैं यूए के सामने 66 पॉइंट दिए ड्रीम टीम में, पाकिस्तान के सामने 68 पॉइंट दिए ड्रीम टीम में। तो बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से कुंभराज की जातक शेफाली वर्मा भी ड्रीम टीम में लगातार अच्छा योगदान दे रही है और ड्रीम टीम में तीनों मैच में ड्रीम टीम में जगह बनाई है, बट इनके ऊपर खतरा जरूर मंडरा रहा ड्रीम टीम से बाहर होने का क्योंकि तीन मैच हो गए तीनों में ड्रीम टीम में जगह बनाई है। और बागेश्वर बाबा कहना जो खिलाड़ी एक बार ड्रीम टीम में आता है वो दोबारा ड्रॉप होता है, तीन बार लगातार तीन चार बार आता है तो उसके ऊपर ड्रीम टीम में बाहर होने का खतरा जरूर मंडराने लगता है। तो ड्रीम टीम में थोड़ा सा रिस्क रहेगा शेफाली वर्मा के ऊपर आज के मैच में। वही जेमिया रांडेस की बात की जाए देख सकते हैं नेपाल के सामने 43 पॉइंट दी है और पिछले दो मुकाबलों में बुरी तरह फ्लॉप रही है, हालांकि इनकी फॉर्म वापस आ गई, इस मैच में दोस्तों इनकी फॉर्म वापस रहेगी या नहीं रहेगी ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। वहीं दयालाल हेमलता ओपन कर रही थी दोस्तों, इस वजह से यहाँ पे दोस्तों 62 पॉइंट दी हैं, बट दोस्तों आज की मैच में दयालाल हेमलता को आपको ड्रॉप करके चलना है, टीम में लेकर के नहीं जाना। अगर आप लोग दयालाल हेमलता को लेकर के जाएंगे तो आपका नुकसान होगा क्योंकि आज के मैच में दयालाल हेमलता ड्रीम टीम से बाहर होने वाली, आप लोग इस बात को लिख ले लीजिएगा। बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से दयालाल हेमलता आज के मैच में ड्रीम टीम में 100% ड्रॉप होने वाली है। तो दोस्तों अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों इस्मत तंजीम को आपको आंख मूंद करके ड्रॉप करना है, टीम में लेकर के नहीं जाना। पिछले तीन मुकाबले खेल चुकी इस्मत तंजीम और तीनों मैच में ड्रीम टीम से बाहर आए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दीप्ति शर्मा 97% सिलेक्शन रेट है ड्रीम टीम में, देख सकते हैं दीप्ति शर्मा ने तीन विकेट नेपाल के सामने लिए, यूए के सामने दो विकेट, पाकिस्तान के सामने तीन विकेट और दीप्ति शर्मा लगातार ड्रीम टीम में बहुत तगड़ा योगदान दे रही। देख सकते हैं नेपाल के सामने 125 पॉइंट, यूए के सामने 58 पॉइंट, पाकिस्तान के सामने 87 पॉइंट और सबसे ज्यादा लोग इनको आज के मैच में कप्तान बना रहे, बट आज के मैच में आप लोग दीप्ति शर्मा को कप्तान मत लेकर के जाना। अगर आप लोग कप्तान लेकर के जाएंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है, दीप्ति शर्मा आज पक्का ड्रीम टीम में कप्तान नहीं बनेंगे, चाहे आप लोग दोस्तों यहां पे जिसको शर्त लगानी हो लगा सकता है। बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से दीप्ति शर्मा आज के मैच में यहां पे कप्तान नहीं बनेंगे ड्रीम टीम में, आप लोग इस बात को लिख कर ले लीजिएगा। अगर मैच होने के बाद आप लोग देख लेना क्या दीप्ति शर्मा कप्तान बनी है या फिर नहीं बनी, बागेश्वर बाबा की बात सत्य होगी या गलत होगी आप लोग मैच होने के बाद इस बात का अंदाजा लगाएंगे।
चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों रितु मेनी की, बात करते हैं 59% सिलेक्शन रेट है और पिछले दो मुकाबले में देख सकते हैं रितु मेनी मलेशिया के सामने एक विकेट लिए हैं और 37 पॉइंट दिए हैं, वही थाईलैंड के सामने यहाँ पे 84 पॉइंट दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 विकेट लिए हैं। तो रितु मेनी भी दोस्तों बांग्लादेश की ऑलराउंडर हैं बट ये बैटिंग से रन तो नहीं बना पाई बट गेंदबाजी से विकेट जरूर चटका लेती हैं, जैसे कि यहाँ पे दीप्ति शर्मा ने विकेट चटकाए हैं। वही पूजा वास्तकर की बात करते हैं, अगर ये आज के मैच में ड्रीम टीम में वापसी करती हैं तो पूजा वास्तकर को आप लोग टीम में देख सकते हैं। यूएई के सामने 51 पॉइंट, यहाँ पे पाकिस्तान के सामने 54 पॉइंट दिए हैं, यूएई के सामने एक विकेट मिला था और पाकिस्तान के सामने 2 विकेट था, तो पूजा वास्तकर आपके लिए गेम चेंजर खिलाड़ी हो सकती है, इनको आप लोग टीम में लेकर के जा सकते हैं अगर ये प्लेइंग 11 में आती है तो। वही दोस्तों स्वर्णा अख्तर की बात करते हैं, देख सकते हैं स्वर्णा अख्तर यहाँ पे मलेशिया के सामने 43 पॉइंट, श्रीलंका के सामने 48 पॉइंट और दोनों में एक एक विकेट हैं, कुछ रन भी होंगे और थाईलैंड के सामने ड्रीम टीम से बाहर हुई, मतलब स्वर्णा अख्तर पिछले दो मुकाबलों में ड्रीम टीम में आई है, एक मुकाबले में ड्रॉप हुई है पिछले 3 मुकाबलों में। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं अगली खिलाड़ी की, बात करते हैं रुमाना अहमद को, आप लोग आंख मूंद करके ड्रॉप कर देना, इनको नहीं लेकर के जाना, अगर आप लोग रुमाना अहमद को टीम में लेकर के जाएंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे संजना संजीवन की बात करते हैं, इस खिलाड़ी को भी आपको टीम में लेकर के नहीं जाना, संजना संजीवन को भी ड्रॉप करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने गेंदबाज सेक्शन में नाइजा हेक्टर, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रही हैं, देख सकते हैं मलेशिया के सामने 2 विकेट, यहां पे थाईलैंड के सामने कोई विकेट नहीं मिला और श्रीलंका के सामने इन्होंने 3 विकेट यहां पे चटकाए हुए हैं। तो दोस्तों नाइजा हेक्टर आपके लिए गेम चेंजर खिलाड़ी दोस्तों, ये खिलाड़ी आपको जरूर लेकर के जाना चाहिए, नाइजा हेक्टर भी बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है। उसके बाद देख सकते हैं रेणुका सिंह ठाकुर से, अगर आप लोग दोस्तों यहां पे देख सकते हैं नेपाल के सामने 1 विकेट, यूएई के सामने 1 विकेट, पाकिस्तान के सामने 2 विकेट, तो रेणुका सिंह ठाकुर से अगर आप लोग 1 या 2 विकेट उम्मीद करते हैं तो आप लोग जरूर लेकर के जा सकते हैं रेणुका सिंह ठाकुर को। उसके बाद दोस्तों रुबैया खान की बात करते हैं, रुबैया खान भी बहुत तगड़ा योगदान दे रहे हैं, तुला राज की जातक हैं, बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से ये खिलाड़ी ड्रीम टीम में कप्तान या वाइस कैप्टन भी बन सकती है। देख सकते हैं मलेशिया के सामने 43 पॉइंट, 1 विकेट, थाईलैंड के सामने 4 विकेट लिए हैं और 148 पॉइंट दिए हैं, तो रुबैया खान को ड्रॉप करने की गलती मत करना। रुबैया खान दोस्तों बांग्लादेश की ये गेंदबाज लेग ब्रेक गेंदबाज है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त आपको गेंदबाजी करा सकती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, देख सकते हैं राधा यादव तुला राज की जातक, बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से लगातार पिछले 3 मैचों में ड्रीम टीम में जगह बनाई है राधा यादव ने। तो देख सकते हैं नेपाल के सामने 60 पॉइंट दिए, यूएई के सामने 35 पॉइंट, पाकिस्तान के सामने 34 पॉइंट दिए, तो पिछले 3 मुकाबलों में अगर बात की जाए राधा यादव, देख सकते हैं नेपाल के सामने 2 विकेट, यूएई के सामने 1 विकेट, पाकिस्तान के सामने 1 विकेट, इस प्रकार से राधा यादव ने पिछले 3 मुकाबलों में ड्रीम टीम में योगदान दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है यहाँ पे एस नाहर जैस्मीन की, तो देख सकते हैं यहाँ पे मलेशिया के सामने 35 पॉइंट, थाईलैंड के सामने 72 पॉइंट, मलेशिया के सामने 1 विकेट, थाईलैंड के सामने 2 विकेट, सबिन कुन नाहर जैस्मीन का यहाँ पे आप लोग ड्रीम टीम में योगदान देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अर्धंती रेड्डी की बात करते हैं, देख सकते हैं पिछले मुकाबले में नेपाल के सामने 2 विकेट लिए हैं और अर्धंती रेड्डी ने पहला ही मैच खेला है, तो अर्धंती रेड्डी अगर खेलती है तो ले जाएगा, अन्यथा दोस्तों आपकी मर्जी है। तनुजा कनवार को आप लोग देख सकते हैं, पिछले मैच में 1 विकेट मिला था यूएई के सामने, नेपाल के सामने कोई विकेट नहीं मिला, तो इनको आप लोग ड्रॉप करके जा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है स्पिन गेंदबाजी, यहाँ पे श्रृंखला पटेल, अगर ये प्लेइंग 11 में वापसी करती है श्रृंखला पटेल को आप लोग जरूर गेंदबाजी सेक्शन में लेकर जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप लोगों ने यहाँ पे दोस्तों पूरा एनालिसिस देख लिया है, अब बारी दोस्तों किनको टीम में लेकर चलना है, किनको ड्रॉप करना है, तो आप लोग एक बार दोस्तों टीम बनाने से पहले देख दर्शन कर लीजिएगा, बागेश्वर बाबा के नाम लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जय बागेश्वर बाबा की, जय दादाजी गुरु महाराज की, जय सन्यासी बाबा की, जय बालाजी सरकार की। चलिए फटाफट दोस्तों टीम बनाते हैं, विकेट कीपर सेक्शन में दोस्तों आपको डी अख्तर को लेना है और यहाँ पे ऋचा घोष को लेकर चलना है, निगार सुल्तान को ड्रॉप करना है, स्मृति मंधाना को ड्रॉप करना है, एम खट्टून को लेकर चलना है, शेफाली वर्मा को लेना है और यहाँ पे जेमिया रांडिस को लेकर चलना है। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों दीप्ति शर्मा हो गई, आर मोनी हो गई, पूजा वस्कर, एस अख्तर हो गई, ये सभी लेना है। गेंदबाज में दोस्तों अगर बात की जाए तो रुबैया अख्तर, राधा यादव और दोस्तों यहाँ पे एक आधा गेंदबाज और लेना है, यहाँ पे एस अख्तर को ड्रॉप करके आप लोग दोस्तों एक गेंदबाज और ले जा सकते हैं। किसको लेना है अगर बात की जाए तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे ए रेड्डी को लेना, तो ये आपके सामने देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से ये दोस्तों गेंदबाजी सेक्शन में आपके सामने बहुत ही तगड़ा योगदान बन चुका है। तो अब आप लोग यहाँ पे जो टीम देख रहे हैं वो टीम आपके सामने देख सकते हैं, ऋचा घोष हो गए, डी अख्तर हो गई, एम खट्टून हो गई, शेफाली वर्मा हो गए, जेमिया रांडिस हैं, दीप्ति शर्मा है, आर यादव, पी वस्तकर हो गई, आर खान हो गई, राधा यादव, डी रेड्डी। अगर पूजा वस्तकर नहीं खेलती हैं तो आप लोग यहाँ पे इनकी जगह पर किसी दूसरे खिलाड़ी को लेकर जा सकते हैं,
जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, आप लोग ले जा सकते हैं स्मृति मंधाना को। तो ये दोस्तों आपके सामने जो टीम बनने वाली, पैसे तो पक्का आपको पता है, इंडिया ही टीम जीतने वाली है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अब दोस्तों कप्तान उपकप्तान फंसाने की 100% गारंटी है। कप्तान उपकप्तान आपको कैसे फंसाना, चलिए आपको बता देते हैं कप्तान उपकप्तान आप लोग कैसे फंसा सकते हैं। पिछले मैचों में दोस्तों आपको अगर बात की जाए हेड टू हेड मुकाबलों में, कप्तान उपकप्तान की बात की जाए तो बांग्लादेश के सामने अगर बात कर लेते हैं, देख सकते हैं कुछ मुकाबलों में यहाँ पे देख सकते हैं राधा यादव कप्तान बनी और रुकैया खान यहाँ पे वाइस कप्तान बनी है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा मुकाबला यहाँ पे रुकैया खान यहाँ पे देख सकते हैं कप्तान बनी है और दीप्ति शर्मा वाइस कप्तान बनी है। उसके बाद यहाँ पे फिर से देख सकते हैं राधा यादव कप्तान बनी 148 पॉइंट लेकर के, शेफाली वर्मा वाइस कप्तान बनी है। फिर से देख सकते हैं राधा यादव 222 पॉइंट के साथ में कप्तान बनी, श्रंका पटेल 105 पॉइंट के साथ में वाइस कप्तान बनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं रेणुका सिंह ठाकुर यहाँ पे कप्तान बनी है और यहाँ पे रुकैया खान यहाँ पे वाइस कप्तान बनी। बट ये बॉलिंग पिच थी, इसकी वजह से यहाँ पे कप्तान कप्तान ज्यादा बन चुके हैं। बट आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, चलिए दोस्तों आपको कप्तान कप्तान बनाने का कुछ फार्मूला बताते हैं। ये बैटिंग पिच आपको ये भी पता है, और दोस्तों बहुत सारे लोग टीम बनाते हैं, टीम बनाने के बाद उनको ये नहीं पता कि कप्तान कप्तान किस प्रकार से चुनना। आते यहाँ पे हाई सिलेक्शन परसेंटेज दीप्ति शर्मा के 41% सिलेक्शन रेट, चलो दीप्ति शर्मा को बना लेते हैं। और दूसरे ढूंढते हैं शेफाली वर्मा को, सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट है 29%, शेफाली वर्मा को वाइस कैप्टन बना लेते हैं। अगर आप लोग ये गलती करते तो आप लोग 100% दोस्तों आज का मैच हारने वाले हैं और आपका जो सपना है वो सपना ही सपना रह जाएगा। कभी भी दोस्तों आपको देखना होगा, कभी भी आप लोग इतिहास उठाकर देख लेना, जब हाई सिलेक्शन परसेंटेज का कप्तान और हाई सिलेक्शन परसेंटेज का वाइस कैप्टन दोनों एक साथ ड्रीम टीम में आपको कभी नहीं मिलेंगे, इस बात का वादा है। अगर दोस्तों आप लोग कभी भी किसी मैच का जाके देख लीजिएगा, कभी भी आपको हाई सिलेक्शन परसेंटेज का कप्तान और वाइस कैप्टन एक साथ नहीं मिलेंगे। तो आखिरकार कप्तान उपकप्तान बनाना है तो किसको बनाना, चलिए दोस्तों आपको डिटेल में जानकारी बताएंगे आखिरकार कप्तान उपकप्तान किसको बनाना है। तो दोस्तों कप्तान के लिए आपको पता है 2 गुना पॉइंट्स मिलते हैं, वाइस कैप्टन के लिए 1.5 गुना। तो ऋचा घोष की बात कर लेते हैं, 1.59% ऋचा घोष विकेट कीपर हैं, इनको कप्तान बना रहे हैं। वाइस कैप्टन की बात करते वी 2.33% ऋचा घोष को वाइस कैप्टन बना रहे हैं। डी अख्तर की बात करते 0.18% कप्तान बना रहे हैं, 0.35% वाइस कैप्टन बना रहे हैं। हालांकि ओपन बल्लेबाज है, ये भी दोस्तों अच्छा कर सकती हैं। वहीं शेफाली वर्मा की बात की जाए तो 21.42% कप्तान बना रहे हैं, 29.42% वाइस कैप्टन बना रहे हैं। एम खट्टून की बात करते 1.34% कप्तान बना रहे हैं, 3.16% वाइस कैप्टन बना रहे हैं। स्मृति मंधाना की बात करें तो 12.19% कप्तान बना रहे हैं, 10.96% वाइस कैप्टन बना रहे हैं। उसके बाद जेमिया रांडिस की बात करें तो 0.59% कप्तान बना रहे हैं, 0.92% वाइस कैप्टन बना रहे हैं। दीप्ति शर्मा की बात करें तो 46.01% कप्तान बना रहे हैं, 19.64% वाइस कैप्टन बना रहे हैं दीप्ति शर्मा को। उसके बाद आर मोहनी की बात करें तो 0.63% कप्तान बना रहे हैं, 2.29% यहाँ पे वाइस कैप्टन बना रहे हैं। आर खान की बात करें तो 0.23% कप्तान बना रहे, 4.71% आर खान को, रुकैया खान को वाइस कैप्टन बना रहे हैं। राधा यादव की बात करें तो 3.53% कप्तान बना रहे, 4.57% वाइस कैप्टन बना रहे हैं। और दोस्तों 0.84% रेड्डी और जयंती रेड्डी को कप्तान बनाए, 0.94% और 1.83% वाइस कैप्टन बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट आपको एक बार कमेंट्स बॉक्स में फिर से दोस्तों बागेश्वर धाम की जय जरूर लिखिएगा, कप्तान कप्तान बनाते हैं। तो पहला कप्तान दोस्तों रिस्की रहेगा, डी अख्तर को कप्तान बनाना है और ऋचा घोष को वाइस कैप्टन बनाना है, या फिर ऋचा घोष को आप लोग कप्तान बना सकते हैं, डी अख्तर को वाइस कैप्टन जो कि बांग्लादेश के ओपन बल्लेबाज हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से ऋचा घोष को कप्तान बनाना है और यहाँ पे डी अख्तर को वाइस कैप्टन। और दूसरा कॉम्बिनेशन की बात करें तो स्मृति मंधाना को कप्तान बनाइए, जो कि अभी तक दोस्तों कई मैचों में नहीं चल पाई हैं, और वाइस कैप्टन आप लोग राधा यादव को बना सकती हैं। अगर बांग्लादेश जीतती तो ये कॉम्बिनेशन आपके सामने जरूर दोस्तों, यहाँ पे स्मृति मंधाना कप्तान बनेंगी और वाइस कैप्टन यहाँ पर राधा यादव बनेंगी, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए जबरदस्त है। उसके बाद अगला कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे दीप्ति शर्मा को कप्तान बनाइएगा, रुकैया खान को यहाँ पे वाइस कैप्टन बनाना, आप लोग देख सकते हैं ये तीसरा कॉम्बिनेशन है, दीप्ति शर्मा को कप्तान, रुकैया खान को वाइस कैप्टन बना दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला कॉम्बिनेशन की बात करें तो शेफाली वर्मा को कप्तान बनाना है, एम खट्टून को यहाँ पे वाइस कैप्टन बनाना है, ये आपके सामने चौथा कॉम्बिनेशन आ चुका है। यहाँ पे शेफाली वर्मा को कप्तान, एम खट्टून को वाइस कैप्टन बना दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फटाफट दोस्तों, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग एक बार और जरूर जाके कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी सरकार की, जय दादाजी गुरु महाराज की, आपकी मनोकामना पूरी होगी। मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय बालाजी सरकार की।